आज मैं बना रही हूँ पाए का सालन। तो यहाँ पे मैंने बीफ के पाए लिए हैं, दो मैंने बीफ के पाए लिए हैं, उसको मैंने वॉश करके कट करके धो के ले लिया हुआ है। और यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हुए हैं, हाफ मैं बघार में यूज़ करूँगी, हाफ बॉईल में यूज़ करूँगी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच अदरक का लिया हुआ है, उसको मैंने चॉप कर लिया है, और लहसुन लिया हुआ है, एक अखा बड़ा लहसुन लिया हुआ है, उसको भी मैंने क्लीन कर लिया है। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट लिया हुआ है मैंने, और यहाँ पर सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट जाएगा। इसके अंदर मैं हरी मिर्ची, लाल मिर्च कुछ नहीं डालूंगी, इसमें सिर्फ गरम मसाले जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बे लीव्स ली हुई है 3, और 2 कार्डमम बोलती हूँ, सिनेमन स्टिक ली हुई है मैंने स्मॉल साइज़ की, और ज़ीरा है 1 टीस्पून, और सा जीरा होगा तो और भी बहुत अच्छा है, बट मेरे घर में अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं लिया है। और यहाँ पर ब्लैक पेपर है, तो यहाँ पर मैंने 12 ली हुई है, और 3 बड़ी इलायची है यहाँ पर, और यहाँ पर लौंग है, 8 लौंग लिया है मैंने, और यहाँ पर इसको चक्री फूल बोलते हैं या फिर इसको बादियान के फूल बोलते हैं, वो मैंने 4 लिए हुए हैं। और मैंने अगेन धनिया पाउडर लिया, सॉरी धनिया साबित धनिया हुआ धनिया लिया हुआ है 1, और यहाँ पर मैंने 3 ग्रीन कार्डमम लिया हुआ है, और 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी लिया हुआ है, 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल लगेगा, और इसके अंदर लगभग 1 लीटर हमें पानी लगेगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करना क्या है हमें कि हमें इसमें ये सारी चीज़ों को बॉईल करना है हमें इसके अंदर डाल के। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। कुकर रखा हुआ है, और कुकर के अंदर अब मैं डालूंगी सारे गरम मसाले, और इसके बाद मैं इसके अंदर ये जो पाए हैं वो मैं डालूंगी, और मैं आधा प्याज इसमें डाल दूंगी अभी, और आधा मैं बघारने में यूज करूंगी। तो बस इतना ही, आधे से ज्यादा मैंने इसके अंदर डाला हुआ है। तो मैं, और फिर इसके बाद में मैं ये जो लहसुन है वो मैं डाल दूंगी, अदरक है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी, और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डालिए आप। सॉल्ट डाला है मैंने इसके अंदर, और इसके अंदर पानी डालेंगे हम, पूरा 1 लीटर पानी डालूंगी मैं इसके अंदर, और अब मैं इसे मिक्स कर लूंगी अच्छे से। अभी मैंने ऑयल वगैरह नहीं डाला है इसके अंदर। और हमें अभी क्या करना है, कुकर का जो लीड है वो बंद कर देना है, और एटलीस्ट हाफ एन आवर से मतलब आधे घंटे से पौना घंटा हमें इसे अच्छे से बॉईल कर लेना है, और फिर मैं इसे छान लूँगी। वाई? बिकॉज मेरे घर में, बिकॉज मैंने इसमें गरम मसाले बहुत डाले हुए हैं, सिर्फ गरम मसाले ही डाले हुए हैं, तो वो हमारे घर में नहीं पसंद आता है कि जो मुंह में जब बाइट करते हैं तो उसका जो गरम मसालों का जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, वो पसंद नहीं आता है। तो मैं इसको छान लूँगी। अगर आप नहीं छानना चाहते हो तो आप एक कॉटन के कपड़े में ये सारे गरम मसाले डाल के भी एक पोटली बना के डाल सकते हो, तो बट मैंने ऐसा नहीं किया है। तो अभी मैं क्या करूँगी, इसे बंद करके एटलीस्ट आधे से पौना घंटा मैं इसे अच्छे से कुक कर लूँगी। विजल पे ध्यान नहीं देना है आपने। अभी मैं हाफ एन आवर के बाद में आपको खोल के देन फिर बताती हूँ। पाए अच्छे से गल जाने चाहिए हमारे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने हाफ एन आवर के बाद में कुकर का लीड ओपन किया हुआ है, और ये अच्छे से गल गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे निकाल के मैं छान लूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप छानना चाहो तो छान लीजिए, गरम मसाले अलग कर लीजिए, अगर नहीं तो फिर आप इसे डायरेक्ट भी ऐसे पका सकते हो, बट अभी मैं इसे छान लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक दूसरा वो ले लिया है देखिए, और यहाँ पर मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाला हुआ है, और ये जो बचा हुआ जो प्याज था, ये 1 प्याज है, 2 प्याज मैंने बॉईल करते हुए डाला था, ये डालेंगे, और इसे ट्रांसलूसन होने तक कुक करेंगे, एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक नहीं कुक करेंगे, ट्रांसलूसन होने तक कुक कर लेंगे। और फिर मैंने आपको बताया था, ये देखिए मैंने इस तरीके से इसे अलग कर लिया है, तो इसके अंदर छान दिया है मैंने, तो इसके अंदर गरम मसाला बिल्कुल भी नहीं है अभी, लेकिन उसका जो पानी वगैरह है
ये देखिए अभी ये ट्रांसलूसेंट हो गया है और लाइट लाइट सा गोल्डन ब्राउन हो गया, तो ये भी हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर 1 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी और इससे मैं अच्छे से कुक कर लूँगी। जब तक इसकी जो रॉ स्मेल है वो नहीं चले जाती तब तक मैं इसे कुक कर लूँगी। आप चाहो तो जो मैंने सूप बॉईल किया है उसे सूप के हिसाब से भी आप खा सकते हो, वैसे भी आप नान के साथ में उसको अच्छे से खा सकते हो, नान और पाव के साथ में बहुत ही फायदेमंद होता है, ये ताकत बहुत होती है खैर इसमें पाए में। तो अब देखिए इसका जो रॉ स्मेल है जाने तक मैं इसे अच्छे से कुक कर लूँगी, ये अराउंड 1 मिनट लगेगा। तो यहाँ पे अभी जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट का जो रॉ स्मेल है वो चले गया, तो अब मैं क्या करूँगी इसमें ये जो सूप मैंने बनाया था वो मैं डाल दूँगी और बाकी के सारे जो भी बोन वगैरह थे वो सारे मैं इसमें डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ओके, और इसे एक बॉईल आने देंगे, जैसे एक बॉईल आएगा तब देन मैं इसके अंदर थोड़ा सा कोरिएंडर ऐड कर दूँगी, बस फिर देन फिनिश हो जाएगा। तो इसे पहले एक बॉईल आने देते हैं हम। तो ये देखिए इसे अच्छे से बॉईल आ रहा है, तो अब मैं क्या करूँगी ये जो कोरिएंडर है ये चॉप किया हुआ मैं इसमें ये डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे डिश आउट कर लूँगी। इसको मैंने स्पाइसी नहीं बनाया है, जो है गरम मसाला ही डाला है मैंने इसके अंदर, ना मैं इसमें हरी मिर्ची डाला है मैंने इसमें और ना ही मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाला हुआ है। तो चलिए ये बनके रेडी हो गया, तो चलिए मैं इसे डिश आउट करती हूँ।